हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी एमएमएस व्लॉग्स। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस। तो ये वीडियो है फिर से मनोज भाई के पेट शॉप के ऊपर। लास्ट वीडियो जो आपने देखा था वो था कैनल के ऊपर। ये जो है पेट शॉप पे है, इनका ये पेट शॉप है। इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ डिस्प्ले में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये वीडियो ने और ये पपीज़ के बारे में जो ये जो है सेल करते हैं। लास्ट वीडियो में वो सेल के लिए नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए थे कि क्या क्या इनके पास में क्वालिटी अवेलेबल है। जो जो क्वालिटी इनके पास अवेलेबल है वो सारी की सारी जो है चैम्पियन है भाई। तो जिस किसी को भी चाहिए रहेगा अच्छी क्वालिटी के विद पेपर विदाउट पेपर जो भी पपीज़ आपको चाहिए इनके पास में अवेलेबल है। आप लोग जो है इन्हें कॉन्टैक्ट करके इनसे बात करके मालूम कर सकते हो कि क्या प्राइस है, क्या क्या इनके पास में ब्रीड अवेलेबल है और क्या आपको चाहिए, तो वो अवेलेबल भी करा देंगे अगर नहीं है तो भी। ठीक है, तो फटाफट जाते हैं। पीछे ही मनोज भाई और नदीम भाई खड़े हैं, आप लोग देख सकते होगे। तो अंदर जाते हैं और अंदर जाके बताता हूँ आपको कि कौन से पपीज़ हैं इनके पास में। ऑलराइट गाइस, तो ये जो है मनोज भाई की फ़ोटो है और उनके साथ में कोई पपीज़ है, पपीज़ नहीं है, डॉग्स है, जो अपन ने लास्ट वीडियो में कवर करे थे सेम है। और यहाँ पर पे भी जो है ये जर्मन शेफर्ड है, यू ऑल कैन सी इनका साइज़ हेल्दी वगैरह सब। और ये इनकी शॉप में अगर अपन एंट्री करते हैं तो मनोज भाई एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी वीडियो पे। ओके गाइस, तो अभी मनोज भाई आप बताइए कि आपके पास में कौन से ब्रीड्स अवेलेबल है। राइट नाउ आई हैव नो बॉक्सर पपी, पग पपी, गोल्डन रिट्रीवर, आई हैव जर्मन शेपर्ड, आई हैव कॉकर स्पैनियल। ओके, सब पपीज है आपके पास में? पपीज आर अवेलेबल है। अवेलेबल है, ओके। और पेपर और विदाउट पेपर दोनों भी अवेलेबल है? Depending upon the price, the range will be completely different. With the paper means it is completely different. Without paper is completely different. Different hai. I can give you both with the paper and without paper also. But depending upon the price range, about the depending upon the customers how they will take. तो जिस किसी को अगर अपने को पेपर के साथ में चाहिए तो पेपर क्यों जरूरी है? पेपर इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ओनली फॉर द डॉग शोज कॉम्पिटिशन एंड वन मोर थिंग they should import and export means in the flight also they will ask this KC paper only. Okay, agar apne ko flight mein kahin pe leke jana hai to wo paper ask karenge. It should be there, but without paper they won't accept. Okay. सो गाइज ये जो है इम्पॉर्टेंस है विद पेपर्स लेने के। अगर आपको अगर लेना है पेपर के साथ में तो आप लोग को ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप फ्लाइट में कहीं पे भी जा सकते हो, कंपटीशन के लिए कहीं पे भी उसे स्टैंड करवा सकते हो। और साथ ही में उसकी हिस्ट्री भी पता रहेगी कि उसके मॉम डैड कौन थे, DNA क्या था उनका, तो वो सब के बारे में भी उनको जो है नॉलेज रहेगा। ओके गाइज, सो अभी अपन देखते हैं इनके पास में पपीज़। मनोज भाई एक एक पपीज़ जो है हम बाहर निकाल के जो है शो करते हैं, उसके बारे में क्या क्या फीचर है, क्या स्पेशलिस्ट है, लाइफ स्पैन क्या है, वो सब के बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो एक एक निकाल लेते हैं। ऑलराइट गाइज, तो ये है एक पपी, क्या ब्रीड है इनका? दिस नेम इज बॉक्सर। बॉक्सर ब्रीड का नाम है। ओके, कलर इज फॉन विद व्हाइट मार्किंग। ओके, कलर इज फॉन विद व्हाइट मार्किंग। ओके, ये जो है बेबी है ये कितने मंथ्स का है? ये 42 डेज ओल्ड है। हाँ, 42 डेज ओल्ड है। 42 डेज ओल्ड एंड ओके एंड वन पपी डीपी वैक्सीनेशन आल्सो इज डन फॉर दिस पपी। ओके, वैक्सीनेशन भी हो चुका है जो फर्स्ट पपी डीपी। इंजेक्शन शुड बी डन इज पपी डीपी। ओके, आफ्टर पपी डीपी ओनली 9-in-1 इंजेक्शन नेम। आफ्टर 45 डेज अनदर 3 डेज इट शुड बी डन वैक्सीनेशन। द फर्स्ट वैक्सीनेशन द नेम इज डिसंबर। या ओके, सो गाइस ये जो है पपी डीपी का जो है वैक्सीनेशन का हो गया है, उनका पहला वैक्सीनेशन हो चुका है। उसके बाद में और दो बाकी रहते हैं, और दो रहते हैं, फिर उसके बाद में कोई भी वैक्सीनेशन नहीं? ईयरली वंस, ईयरली वंस अपने को एक बार वैक्सीनेशन कराना रहता है। ओके, डीवर्मिंग भी हो चुका है इनका। ओके, में इनका जो लाइफ स्पैन होता है बॉक्सर्स का क्या लाइफ स्पैन रहता है? मैक्सिमम 14-15 इयर्स है बॉक्सर्स का। 14-15 इयर्स अगर हम प्रॉपरली टेक केयर करते हैं तो। ईयरली वन वैक्सीनेशन एंड 6 मंथ्स वंस डीवर्मिंग। ओके, आफ्टर 2-3 इयर्स वी शुड डू दिस ह्यूमन बीइंग सिरप आल्सो, द नेम इज ली 52। ली 52, या इट्स फॉर द लिवर फंक्शन। लिवर फंक्शनिंग, ओके, हंगरी पर्पस। दिस ऑल द things you should do for take caring of these dogs. Okay, so boxers का life span रहता है 14-15 years. Okay, ये जो puppy है अब इनका price क्या charge कर रहे हो आप? With the KCA paper starts from 35,000 rupees boxer male puppy with the papers. Papers के साथ में 35,000 rupees है. And without paper normally the same breed. Slightly we can without paper means 125-128. Depending upon the free customer, yeah, we can see the full. Okay, तो मतलब with paper का कितना बताया आपने? 35,000. Okay, without paper? At least
5,000 negotiable, मतलब के 25 तक का या 30 तक का? ओके, 25 टू 30,000 का. ओके सो गाइज, ये था इसका प्राइस रेंज, इनका लाइफ स्पैन और वैक्सीनेशन के बारे में भी मनोज भाई ने अपने को बता दिए, ठीक है. और इसके बाद में अपने पास में कौन सा है वो बता दीजिए. ऑलराइट मनोज भाई, तो अभी कौन सा पपी है, ये कौन सा है अपने पास में? दिस नेम इज शिजू. शिजू, या. ओके, वेरी क्यूटेस्ट डॉग टू लुक. हम्म, इट इज नॉर्मली ब्रीड इन थाईलैंड ओनली. ओके, इट्स ऑल चाइनीज डॉग्स. चाइनीज डॉग्स है ये. इट डोंट ग्रो over flight on that, it will be too short, but too fully short. Furry will be there. Fully furry, na? Yeah, and hair shedding problem also is not there in Shih Tzu. Shih Tzu, अच्छा, बाल गिरने का भी problem नहीं रहता है. And very very neatness dog, and to take care also well and good to take this puppies. Okay, पालने के लिए भी आसानी रहती है ये dogs के लिए. Exactly. Main thing is a toy breed. Toy breed है. Yes, yes. ओके सो गाइज, ये जो है टॉय ब्रीड है, इनका साइज भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लिमिटेड साइज रहता है इनका. बहुत ही क्यूट दिखते हैं ये, इनफैक्ट मेरे खालू ने भी. इनका प्राइस रेंज क्या कोट करते हो आप? शिजु प्राइस फ्रॉम स्टार्ट्स फ्रॉम 18K एंड अबव ओनली. 18K से अबव रहता है. ओके, तो ये विद पेपर का प्राइस बता रहे हो आप? नो नो, विदाउट पेपर. पेपर मींस एग्जैक्ट, या फिर तुम विल बी देयर फॉर 22 और 22,000. 5,000 रुपीस एक्स्ट्रा लगेगा. ओके सो गाइज, जो भी आपको चाहिए रहेगा विदाउट पेपर 18,000, विद पेपर इफ़ यू आर नॉट टेक तो जो है 5,000 एक्स्ट्रा लग जाएगा. ऑल राइट, इनका लाइफ स्पैन क्या रहता है? मैक्सिमम 12 to 13 ईयर्स का रहता है. ओके, अभी ये कितने मंथ्स का होगा? 45, मतलब डेढ़ में 45, हाँ डेढ़ महीना हो गया, 1.5 मंथ्स हो गया ये. ऑल राइट, तो इनका लाइफ स्पैन भी पता चल गया है. और वैक्सीनेशन हो चुकी है इनकी? Done. अगर कोई आपके पास में खरीद के लेके जाता है तो वैक्सीनेशन के लिए आपके पास अगर ला के दे तो आप करके देते हो? वी हैव आवर ओन वेटरनरी डॉक्टर आल्सो. वेटरनरी डॉक्टर भी है आपके पास में? ओके. ऑल राइट मनोज भाई, तो अभी कौन सा अपन शो करने वाले हैं? कॉकर स्पैनल. कॉकर स्पैनल. ओके, what special for this breed means the ears will be longer than the nose. Longer than the nose, correct hai. You can see the ears. Hmm. तो ये अपने face से ज़्यादा लंबे रहते हैं. Yes, yes. And very well maintenance dog. Okay. And well behavior dog also. Well behavior. हाँ, मतलब के friendly रहता है हर एक के साथ में, ज़्यादा aggressive नहीं रहता है. For the small children, for the kids, under well behavior dog. Well behavior dog है. Okay. तो ये गाइस है. और इनका लाइफ स्पैन क्या रहता है? सेम थिंग, 12 to 13 ईयर्स. 12 to 13 ईयर्स, मतलब जो भी शॉर्ट डॉग्स रहते हैं टॉय ब्रीड के, थोड़ा कम ही रहता है उनका लाइफ स्पैन. ओके, और इनका क्या प्राइस कोट कर रहे हो आप? 12,000 रुपीज़ द प्राइस रेंज विदाउट पेपर्स. एंड पेपर मींस जेनी ब्रीड स्टार्ट्स फ्रॉम अबाउट 21. अबाउट 20. ओके सो गाइस, विदाउट पेपर अगर आपको चाहिए तो ये जो है आपको 12,000 रुपीस कॉस्ट होगा. और गाइस, मैं जो भी प्राइस बता रहा हूँ ये मेरे चैनल के थ्रू आपको एकदम नेगोशिएबल, ना के बराबर होने वाला प्राइस बता रहा हूँ आपको, है ना मनोज भाई? यस यस, ये सिर्फ मेरे चैनल के ऊपर है, तो इसीलिए जो है आप प्राइस के लिए कॉल ना करें, इसके लिए फाइनल, मोस्ट ऑफ फाइनल प्राइस आपको final बता रहे हैं. फाइनल प्राइस है ये 12,000 रुपीस. 100% गारंटेड ब्रीड रहेगा. ओके, और वैक्सीनेशन के लिए अगर आपके पास में खरीद के लेके आते तो आपसे आके करा सकते हैं? We have a own veterinary doctor. Yeah, he stays in Queens Road. The doctor name is Nageshappa doctor. Okay. He's a dean all over Bangalore. Okay. Yeah. All right. Specialist doctor, sir. सो गाइज, जो भी है आप एकदम ट्रस्टफुली जो है यहाँ से अपने पेट्स को परचेस करके लेके जा सकते हो. ऑलराइट, तो मनोज भाई और कौन सा है अपने पास में? ऑलराइट गाइज, सब मनोज भाई अभी जो है अपने पास में कौन सा है? दिस इज पग पपी. पग पपी. अनदर नेम इज Vodafone dog. Vodafone dog. हाँ. Very very cutest and bubbliest dog. Bubbliest dog, right? Yeah, yeah, yeah. बहुत cute है ये, बहुत cute है dogs ये. तो ये क्या age के हैं अभी? माशाल्लाह. क्या age के रहेंगे अभी ये? ये is 41 days puppy. 41 days के puppies है. इनका भी life span short ही 12 to 13,000. ओके, सो इनका भी सेम है. वैक्सीनेशन हो चुका है इनका? पपी डीपी इज डन. फर्स्ट वैक्सीनेशन इज ऑलरेडी डन. ओके, पपी डीपी. ओके, सो ये भी हो गया. इनका क्या प्राइस कोट कर रहे हो आप? स्टार्टिंग रेंज इज 12 to 13,000 रुपीज़. 12 to 13,000 रुपीज़. इनमें कुछ और कलर भी आता है या सिर्फ यही कलर आता है पग में? वी हैव टू कलर्स. वन इज फुल्ली ब्लैक. फुल्ली ब्लैक. ब्लैक. ओके, दिस इज सिल्वर फॉन. सिल्वर फॉन. यस.
ओके सो गाइज ये जो है सिल्वर फॉन है, एक ब्लैक में भी आता है, अगर आपको वो भी चाहिए रहेगा तो अवेलेबल करा देंगे. अवेलेबल करा देंगे. ऑल राइट ओके मनोज भाई, तो दूसरा बताते हैं अभी. ऑल राइट मनोज भाई, तो अपने पास में नेक्स्ट कौन सा है? ये कौन सा है? दिस इज जर्मन शेफर्ड डॉग. जर्मन शेफर्ड. या ओके. एंड वर्किंग ग्रुप डॉग दिस वन. वर्किंग ग्रुप मींस वेरी वेरी एक्टिवनेस इट विल बी देयर. ओके. तो लुक लाइक अ टाइगर ओनली. लुक लाइक द जर्मन शेफर्ड ब्रीड. तो उसको देखने के लिए टाइगर जैसा दिखता है. सही है. वाइट पूरा उसका फेस पूरा, उसका बाल पूरा सेम एक टाइगर ओनली लुक्स. हां बराबर. और इसकी जो आईज है ये क्या वाइट आईज है इनकी? नहीं नॉर्मल ब्लैक है ना? शेडेड है. नॉर्मल ब्लैक है. ओके सो इनका क्या प्राइस कोट कर रहे हो आप? स्टार्टिंग रेंज इज 18000 रुपीस. स्टार्टिंग रेंज इज 18000 विदाउट पेपर. ओके. वैक्सीनेशन इनका भी हो चुका है? पपी डीपी इज डन. मेन थिंग डीवॉर्मिंग आल्सो इज डन. डीवॉर्मिंग भी हो चुका है इनका. ओके ग्रेट गाइस. तो जो भी आप पपी ले रहे हो यहाँ से एकदम ट्रस्टफुल ले सकते हो. इनका लाइफ स्पैन क्या रहता है? ये तो ज्यादा हाइट के रहते हैं. मैक्सिमम द लाइफ स्पैन फॉर जर्मन शेफर्ड 18 इयर्स तक का जाता है. जर्मन शेफर्ड 16 टू 18 इयर्स. जैसा आप टेक केयर करते हो उतना लाइफ उनका रहता है. सेम थिंग जो है, जो भी है कैरिंग के ऊपर अपन एक अलग वीडियो बना देते हैं जिसके ऊपर अपन वर्ड टू वर्ड एकदम समझा देंगे. ठीक है. ओके तो ये जर्मन शेफर्ड का 18000 आपने बताया. स्टार्टिंग रेंज है 18000. अगर अपने को पेपर के साथ चाहिए तो 5000 एक्स्ट्रा है. ऑल राइट मनोज भाई, तो अभी जो है आपके पास में इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इतने सारे पपीज आप पेट करते हो, कंपटीशन के लिए रेडी करते हो डॉग्स को, ठीक है, तो आप उनको क्या फीड करते हो? ये जो आप नेस्ले का बताए हो ये आफ्टर 15 डेज देना है. 15 डेज के बाद में देना है, लेकिन 15 डेज से पहले जो है मदर मिल्क उनको मिलना चाहिए. 15 days के बाद में जब आप फीड करने लगे तो सेरेलैक दीजिए, या तो फिर ऐसी कंसिस्टेंसी में जब उसको बनाएंगे तो इस तरीके से होना चाहिए. और उसके साथ में ये कौन सा है, ये कभी देना चाहिए? After 25 days, this food you can start. Okay, after 25 days. Yes. After 25 days, this food you can start. Okay. This food, you shouldn't give dry type only. Just soak it in the hot water for 5 to 10 minutes. Uh-huh. Then make some semi-liquid type. Okay. Paste it there, then you can feed this food. Okay. After 25 days. After 25 days. Yes. Uh-huh. Then after 25 days, again, ये जो है स्मार्ट हार्ट का है, PCG. Yes. So guys, ये जो है आपको फीड करना है आफ्टर 2 months. After 2 months, after 45 days, this food you can start. Okay. Means, the stages will be changing about the puppy stages till 1 month, till 2 months, till 3 months. Okay. Then again, after 6 to 8 months we can start this food. After 6 to 8 months, ये वाला food हमें जो है देना चाहिए. Apro IQ formula और 100% guarantee, nutritionally complete. So guys, ये जो है after 6 to 8 months आपको 20 kg का packet जो है आपको feed करना है. Okay. और उसके पीछे ये कौन सा? This food also we can start. The name is Smart Heart. Only for adult dogs. Only for adult dogs. ओके अडल्ट कितनी एज के बाद में मालूम होता है ये? आफ्टर 8 मंथ्स ओनली. टिल 8 मंथ्स इज सेमी अडल्ट. आफ्टर 8 टू 10 मंथ्स इट इज अडल्ट ओनली. ओके तो आफ्टर 8 टू 10 मंथ्स वो अडल्ट हो जाता है. ओके सो अडल्ट फूड गाइस ये भी है. जो भी आप फूड ले रहे हो एज के हिसाब में उसको जो है फूड देना चाहिए, तभी जो है वो प्रॉपरली ग्रोथ करता है. और ये सारे आप अवार्ड्स भी देख लीजिए, ये सारे के सारे अवार्ड्स हैं इनके पास में जो मनोज भाई जीत चुके हैं. और ये जो फूड है इनके पास में सब स्मार्ट हार्ट का है, है ना? सब स्मार्ट हार्ट का जो है ये फीड करते हैं अपने डॉग्स को. ये सारे के सारे हैं. अब इसके अंदर तो चिकन एग एंड मिल्क फ्लेवर, फिर उसके बाद में ये कौन सा है? सेम है, मदर बेबी डॉग. ओके स्टार्टर फूड है ये, ठीक है. और ये तो सारे अवार्ड्स है. सो गाइज ये जो आपको सैशेट दिख रही है, ये सैशेट के अंदर जो है आपको अलग अलग जो है स्पेशल है, जैसे कि ये जो है डाइजेस्टिव केयर फार्मूला है. अगर जिस किसी को डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा तो वो जो है ये फूड दे सकते हैं. और उसके साथ में यहाँ पर दूसरा है जो कि हेयर एंड स्किन केयर फार्मूला, जिनके हेयर शेडेड हो रहे हैं या फिर स्किन केयर के लिए अगर कुछ चाहिए आप लोगों को, तो वीकली वंस या वीकली ट्वाइस आप ये फीड कर सकते हो. और उसके बाद में ये जो है
जॉइंट एंड मोबिलिटी फार्मूला, मतलब जो जॉइंट्स में जब अगर आपका पेट ऐसा लगे कि जो है थोड़ा कमज़ोर टाइप में है, सुस्त है, तो वो टाइम पे जो है आप ये तीन जो है ऐसा यूज़ कर सकते हो, जो कि कंपलसरी अगर आप लेके रख सकें तो बहुत अच्छी बात होगी, आपके पेट्स के लिए बहुत ही हेल्दी है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है जब आप पपी खरीदते हो तो वो है कि आप स्टार्टिंग के 2 मंथ्स तक उसको बिल्कुल भी नहलाए नहीं, क्योंकि वो इतनी कैपेसिटी में नहीं होते हैं कि पानी को ऑब्जर्व करें, ठीक है। 2 महीने के बाद में ही जो है आप उसको नहलाएं, उसको बात कराएं। अगर आपको नहलाना है तो आप लोग जो है उसे स्पंज बाथ दे सकते हैं, राइट नदीम भाई? स्पंज बाथ आप दे सकते हो, लेकिन डायरेक्टली वाटर के साथ में उसको इंट्रोड्यूस मत करें। आफ्टर टू मंथ्स ही जो है आप एक बार मनोज भाई से जो है कॉन्टैक्ट करके पूछ लें। अगर आप मनोज भाई के क्लाइंट हैं, आप इनके पास से खरीद रहे हैं, तो आफ्टर सेल सर्विस आपको पूरी तरीके से मिलेगी। सो विदाउट वरी आप जो है इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हो। और जो भी पपीज आप यहाँ से लोगे 100% शो क्वालिटी के हैं। अगर प्राइस रेंज एकदम ट्रस्टेड है, हाँ वो मैंने भी देखा है, क्योंकि क्वालिटी जो है इनकी अलग ही है। और जो कैनल के इनके जो पेट्स है जो चैंपियनशिप जीते हुए हैं, उसी टाइप के जो है आपको डॉग के पपीज यहाँ पे मिल जाएंगे। और एल्स इफ़ यू वांट अ पेपर डॉग्स, जैसे कि पेपर के साथ में हो, तो उनका प्राइस रेंज कुछ और होता है। वो एकदम के मतलब आपको पूरी हिस्ट्री मालूम पड़ जाएगी उनके, क्या उनके मॉम डैड कैसे थे, कैसे ब्रीड हुए, कहाँ पे उनका ओरिजिन था, वो यहाँ पर आए तो कभी आए, वो सारी चीज़ मतलब इन शॉर्ट मनोज भाई आप लोगों को पूरी तरीके से बता देंगे, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी तो लगी होगी क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल चुकी है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लेना। मेरे चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको मनोज भाई को कॉन्टैक्ट करने का रहेगा तो इनका जो है नंबर और एड्रेस यहाँ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जो है वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। सो गाइस, करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल द टाइम, राइट सेफ, वी सेफ, रिस्पेक्ट योर मॉम एंड रिस्पेक्ट योर फैमिली एज ऑलवेज। अल्लाह हाफिज़।